तक बॉलीवुड में जूली नाम से कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन खास तौर पर साल 1975 में आई जूली को उस समय काफी सराहा गया था और ये फिल्म काफी हिट भी साबित हुई थी। इस फिल्म में नई स्टार कास्ट होने के बावजूद लक्ष्मी और विक्रम ने शानदार अभिनय किया था। इसके बाद नेहा धूपिया की साल 2004 में इसी नाम से आई फिल्म जूली को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। पिछली फिल्म जूली में एक्ट्रेस नेहा धूपिया जितनी ब्यूटीफुल नजर आई थी, इस फिल्म में हीरोइन पर उतना ही ध्यान रखा गया है। फिल्म में राय लक्ष्मी बेहद खूबसूरत लग रही है। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अपने करियर को सफल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने से भी पीछे नहीं हटती। वहीं उसके कई दीवाने हैं जो उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। आखिरकार फिल्म जूली पार्ट 2 को रिलीज होने के लिए हरी झंडी मिल गई है। अब ये फिल्म 24 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में अभिनेत्री राय लक्ष्मी मुख्य भूमिका में है, जो अपनी अदाओं की वजह से सुर्खियों में है। अब जूली पार्ट 2 आखिरकार कानूनी बाधाओं से मुक्त होकर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म की रिलीज की डेट 3 बार टल चुकी है। फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी और उनके निर्देशक दीपक शिवदसानी पर फिल्म के खिलाफ निर्माता एनआर पचीसिया द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन के तहत मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी हुआ। नेहलानी और दीपक को फिल्म की रिलीज के लिए मुआवजे के तौर पर उन्हें पैसे भी देने पड़े। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।